विगत एक दो दिन पहले हमने आपका अपना जजवार लोकल न्यूज़ के माध्यम से हम आप लोगों को समर्पित अपना वॉइस मैसेज हम भेजे हुए थे कि बहुत जल्द हम साक्ष्य के साथ आप लोगों के समक्ष समर्पित होऊंगा। आज मैं साक्ष्य के साथ समर्पित हूं। मैं पैक्स अध्यक्ष जजवार पश्चिमी श्री अमोल ठाकुर, मेरे ऊपर आरोप है दैनिक जागरण पेपर के माध्यम से आप लोगों ने भी देखा और हम भी देखे, जन वितरण प्रणाली की लाइसेंस पैक्स को दिया गया था, जिसे कुछ राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण SDO श्री ज्ञान प्रकाश जी को गलत तरीके से कन्विंस करके लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है। हमारे ऊपर आरोप लगाया गया है कि आप अनाज का घोटाला किए हैं। तो सबसे पहले मैं अपने उपभोक्ताओं को, अपने जनता को, अपने वोटरों को यह बताना चाहता हूं कि ई पॉस के माध्यम से जो बंटवारा होता है उसमें तो गबन और घोटाले की कोई चांस ही नहीं है, कोई उम्मीद ही नहीं है। हमारे गोदाम के निरीक्षण करने के बाद 20 क्विंटल अनाज की कमी पाई गई है पदाधिकारी को, यह बिल्कुल सत्य है, यह कहीं से भी गलत नहीं है। हमारे गोदाम में 20 क्विंटल अनाज कम है, उसका कारण क्या है वो मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। माह नवंबर 2020 मुझे प्रधानमंत्री कल्याण योजना का अनाज नहीं मिला, जिसका प्रमाण पत्र मेरे हाथ में है जो मैं आप लोगों को समर्पित करूँगा। हमने प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को इस चीज़ की जानकारी लेटर के माध्यम से हम अपने पंचायत के सभी जन वितरण विक्रेताओं के साथ सभी के सिग्नेचर हमारे हाथ में जो लेटर है उस लेटर में मौजूद है। उसके बाद हमने गोदाम मैनेजर से भी रिसीविंग लिया कि आपके पंचायत जजवार पश्चिमी पंचायत में किसी भी विक्रेता को प्रधानमंत्री कल्याण योजना का अनाज नहीं दिया गया है। यही एक कारण हो गई हमारे गोदाम में अनाज कम होने का। पॉस मशीन पर उसको चढ़ा दिया गया लेकिन अनाज हमको नहीं मिला। हम इसके लिए अपने पंचायत के सभी जन वितरण विक्रेताओं के साथ माननीय मंत्री रामसूरत राय जी के यहाँ सर्किट हाउस में जाके भी आवेदन देने का काम किया और हमने उनसे आग्रह ये किया था कि सामान नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम पॉस मशीन से हटा देना चाहिए। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के मौखिक आदेशानुसार हमने अपने जनता को, अपने उपभोक्ताओं को जो रेगुलर राशन है वो और जो प्रधानमंत्री कल्याण योजना जो 5 किलो प्रत्येक परिवार देना है वो, हमने दोनों राशन एक साथ हमने देने का काम किया। मेरे साथ अभी कुछ उपभोक्ताओं हैं, आप उन लोगों से भी अपनी मंतव्य ले लें और आगे की जो कार्रवाई है उस पर चलेंगे। ये हमारे पास है प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को जो हमने ज्ञापन दिया था जिसमें सभी जन वितरण विक्रेताओं का सिग्नेचर है। ये हमारे पास गोदाम मैनेजर को जो हमने लिखित आवेदन दिया था इस पर भी सभी विक्रेताओं को दिया गया है। ये अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा को हमने दिया था लाइसेंस रिन्यूअल करवाने के लिए। हमने प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी को दिया था कि मुझे पूर्व पैक्स अध्यक्षों द्वारा चार्ज नहीं दिया गया है। यह अभी तक खेद की बात है, अभी तक यह अपने चार्ज मुझे नहीं दिया गया है। आखिर क्या कारण है, आखिर क्या गबन किए हैं इन्होंने जो प्रभार नहीं दे रहा है। अब हम आपको हमारा जो लाइसेंस जो रद्द किया गया है उसमें कॉज लगाया गया है कि आपके गोदाम में 20 क्विंटल अनाज कम पाया गया है। हमने यहाँ यह उक्त आवेदन की कंडिका 7 में अंकित तथ्य बिल्कुल गलत है। वस्तु स्थिति यह है कि नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री कल्याण योजना का आवंटन नहीं मिला था। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से लेकर के यह उक्त हमारा
अधिकारी द्वारा जो मेरे ऊपर आरोप लगाया गया था कि यह उक्त आवेदन की कंडिका चार में वर्णित तथा अंशतः सत्य है, क्योंकि उक्त समय सचिव उपस्थित नहीं थे, अतः वितरण पंजी उक्त तिथि को नहीं उपलब्ध कराई गई एवं तिथि को नहीं उपलब्ध हो सकी है। इस आवेदन में 80 के साथ भंडार एवं वितरण पंजी इस स्पष्टीकरण के साथ संलग्न कर रहा हूँ, और मेरे ऊपर आरोप लगाया गया है कि आपने वितरण पंजी का संलग्न नहीं था। तो हमको कुछ कागजात देने में समय लगा, उसका मुख्य कारण क्या था कि हमको पूर्व पैक्स अध्यक्षों द्वारा चार्ज नहीं दिया गया। तो जब चार्ज नहीं दिया गया, मेरे पास किलोवाट का लाइसेंस मेरे पास नहीं था, जन वितरण प्रणाली का जो लाइसेंस होता है उसका मेरे पास नहीं था, उस समय मुझे विलंब लगा है, लेकिन हम अपने स्पष्टीकरण के समय में सारे सबूतों उनके साथ दिया था। अभी कुछ उपभोक्ताएं हैं मेरे साथ, उनका भी आप लोग देखें कि हमारा क्या क्रियाकलाप रहा है। अब मेरा किलोवाट का लाइसेंस हो गया या मेरा जन वितरण प्रणाली का लाइसेंस हो गया, सारा व्यवस्था है। एक और मैं सबसे गूढ़ बात मैं अब कहने जा रहा हूँ, अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोग को। यह है ज्ञापन संख्या 841 दिनांक 2/3/2021 स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के संबंध में उपयुक्त विषयक सुश्री तरनीजा बड़िए उपसमाहर्ता मुजफ्फरपुर सह प्रभारी कार्यपालक दंडाधिकारी पूर्वी, इन्होंने आरोप लगा रहा है कि 28/12/2020 को आपकी दुकान की जाँच की गई थी। बिल्कुल गलत है, मेरे दुकान की जांच नहीं हुई, 28/12 की बात है, और 12 हुई और यहाँ 29/12 हुई। यहाँ राघवेंद्र नारायण प्रखंड सांख्यिक पदाधिकारी, यह किस हिसाब से यह राजनीतिक षड्यंत्र का खेल खेला जा रहा है मेरे विरुद्ध, यह इसका सबूत है। 29/12 को भी मेरे दुकान की जांच हुई और 28/12 को भी मेरे ही दुकान की जाँच हुई, इसलिए यह प्रतीत होता है यह ज्ञापन संख्या 154 ज्ञापन संख्या 841 से स्पष्ट जाहिर होता है कि मेरे विरोधियों द्वारा स्पष्ट रूप से षड्यंत्र रच करके मेरे खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, मुझे बदनाम करने की चेष्टा की जा रही है, जो कि हम अपने ईमानदारी और निष्ठापूर्वक हमने अपना जनता को सम्मान देने का काम किया है। हमने अपने जनता को कैसे सम्मान दिया है, मेरे जनता खुद आपके समक्ष।